Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका नाम है इंडियाना पोलिस। वेल कहानी शुरू होती है ओकिनावा 31 मार्च 1945 से। समुन्दर को चीरता हुआ एक नेवी शिप आगे बढ़ रहा है लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ फाइटर प्लेन हमला कर देते हैं। बदले में वो भी उनका जमकर सामना करता है और इसी चक्कर में एक प्लेन आकर उस शिप से टकरा जाता है जिसकी वजह से आगे का हिस्सा काफी नुकसान होता है और इसमें कई सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम कुछ अमेरिकन ऑफिशियल को देखते हैं जो जापान में हुए युद्ध की कुछ फुटेज देख रहे थे और एक ऑफिशियल सभी को बताते हैं कि प्रेसिडेंट का आदेश है कि हम पर्ल हार्बर यानी कि जापानीज आर्मी कैंप पर एक परमाणु बम गिराएं, लेकिन उसे वहां तक ले जाने के लिए हम एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसे नेवी से ले जाएंगे क्योंकि सामने वाले की नेवी की ताकत कमजोर है। पर एक शख्स कहता है कि ये तो एक खुदकुशी करना जैसा होगा क्योंकि ऐसे में हमें कोई ऐसा शिप चाहिए जो काफी तेज हो और इसके साथ कोई भी स्कॉट यानी कि कोई भी फोर्स ना हो, ऐसा कौन करेगा। वो कहता है कि हम किसी को जरूर ढूंढ लेंगे। कहानी आगे बढ़ती है और हम ब्रायन और माइक को देखते हैं जो एक नेवी सैनिक है लेकिन उसके साथ साथ वो अच्छे दोस्त भी हैं। आज ब्रायन अपनी बचपन की दोस्त क्लारा के घर जाता है और उससे मिलने के लिए, पर वो नीचे ही रुक जाता है और तब तक माइक ऊपर चला जाता है और वहां जाकर क्लारा के साथ डांस करने लगता है और तभी वहां ब्रायन भी आ जाता है और उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर वो कुछ बोलता नहीं क्योंकि वो भी क्लारा को पसंद करता था। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है सैन फ्रांसिस्को पोर्ट जहां पर हम एक विशाल जहाज को देखते हैं जिसके आगे के हिस्से की मरम्मत हो चुकी है। दरअसल ये वही शिप है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके कैप्टन है फिलिप जो बहुत ही कामयाब और बहादुर कैप्टन है। उन्होंने कई सारे मिशन को बहुत ही आसानी से पूरा कर लिया है। उसी दौरान वहां पे अमेरिकन ऑफिसर आते हैं जो कैप्टन फिलिप के साथ अकेले में बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रेसिडेंट ने आपको इस मिशन के लिए चुना है। आपके शिप पर जो बॉक्स जिन्हें आपको सेफली कीनी और फिलिपनी नाम की जगहों पर डिलीवर करना है। तो वो कहता है कि ठीक है, पर हमें स्क्वाड कहाँ से मिलेगा। वो ऑफिसर कहते हैं कि ये मिशन टॉप सीक्रेट है और इसे सिर्फ प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमने स्कॉट किया तो जापानीज को पता चल जाएगा कि हम उनके एरिया की तरफ आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने क्रू के साथ ये काम अकेले ही करना होगा। ये कैप्टन के लिए थोड़ा डरावना था क्योंकि किसी भी समय उन्हें जापानीज हमला कर सकते थे और उस समय उनके पास कोई कवर नहीं होगा। उधर हम देखते हैं कि ब्रायन और माइक को भी इस मिशन के लिए अपॉइंट कर लिया गया है, लेकिन जाने से पहले माइक क्लारा को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, इसलिए वो उसके डैड से मिलने जाता है, पर वहाँ उसकी बेइज्जती हो जाती है जिस वजह से वो बाहर आ जाता है और वहां पर उसके कुछ साथी आपस में लड़ाई हो जाती है जिन्हें छुड़ाने के लिए वो उनके पास जाता है, पर उसी दौरान उसके पॉकेट से वो रिंग गिर जाती है जो असल में क्लारा के लिए लाया था। वेल अब लड़ाई तो खत्म हो जाती है और वो क्लारा को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन जब रिंग निकालने की बारी आती है तो वो उसे मिलती नहीं और तभी वहां कुछ पुलिस वाले आते हैं जो उसे उठा कर ले जाते हैं। वेल अगले दिन इंडियाना पोलिस नाम का शिप अपने सफर के लिए निकल जाता है जिसके कैप्टन थे फिलिप्स और उनके साथ थे टोटल 1200 के स्टाफ मेंबर जिसमें ब्रायन और माइक भी मौजूद थे। और इन लोगों के लिए मिशन एक खुदकुशी करने जैसा था क्योंकि अगर कहीं भी ये जापानीज की नजर में आ गए तो वो इन पर हमला शुरू कर देंगे। ये शिप बहुत ही पुराना है सिवाय इसकी स्पीड के, इसमें और कुछ खास नहीं है। यही बात कैप्टन को सता रही है। आपसे कहते हैं कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक हमारी स्पीड और दूसरी जापानीज सबमरीन, इसलिए हम सबसे पहले तो जिगजैग होकर चलेंगे ताकि वो हमारे ऊपर एम ना लगा सके, और दूसरा ये कि हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा और रेडियो पर अलर्ट भी। वहीं दूसरी ओर 19 जुलाई 1945 की रात हम एक जापानीज सबमरीन को देखते हैं जो हथियारों से पूरी तरह से लैस थी, जिसके कैप्टन थे हाशा मीको जो बहुत ही चालाक है और इस समय वो ध्यान लगा रहे हैं जो कि वो बरसों से करते हुए आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडियाना पोलिस शिप पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। कुछ ही देर बाद वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो कैप्टन दोनों पार्सल डिलीवर कर देते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि हमें अब वापस जाने के लिए स्क्वाड की जरूरत पड़ेगी। तो ऑफिसर कहता है कि तुम अपने दिमाग में एक बात डाल लो कि तुम यहाँ कभी आए नहीं थे, तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें बताया नहीं कि ये मिशन एक टॉप सीक्रेट है और अगर तुम्हें कुछ कवर दिया तो सभी को पता चल जाएगा। कैप्टन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो ऐसे ही वापस के लिए लौट जाते हैं, लेकिन दो दिन बाद इनका सामना होता है घने कोहरे से और अब इन्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो जिगजैग ना चल के सीधा चलेंगे ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच सके। वैसे भी उन्होंने अपने सामान को तो पहुंचा ही दिया, लेकिन यही वो एक गलती कर देते हैं और उन्हें असल में जापानीज नेवी देख लेती है और समझ जाती है कि ये एक अमेरिकन शिप है, इसलिए कैप्टन हाशामी को फौरन नीचे जाते हैं और अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि टॉरपीडो को लोड कर दो और हमें उन पर हमला करना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर माहौल बिल्कुल शांत था क्योंकि इतने कोहरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें कोई आशंका नहीं थी कि एक सबमरीन उनके नीचे घूम रही है।
और इसी का फायदा जापानीज उठा लेते हैं और सटीक एम के साथ लगातार दो मिसाइल फायर करते हैं, जो जाकर सीधा लगती है इंडियानापोलिस शिप पर, जिससे कि पूरा शिप तबाह हो जाता है। एक हिस्से में तो आग भी लग जाती है, सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कैप्टन को पता चल जाता है कि दुश्मन ने ऊपर हमला कर दिया, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके आगे वो कुछ और सोच पाते कि तभी एक और टॉर्पीडो आकर लगती है, जिससे कि शिप बीच वाले हिस्से में दरार आ जाती है। अब वो टूटने की कगार पर आ चुका था, अंदर जितने भी लोग थे उनमें आधे से ज्यादा जख्मी या फिर मारे जा चुके थे। और इसी दौरान हम दो कैदियों को भी देखते हैं जो शिप में थे, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पाते। तभी एक आदमी आकर उन्हें चाबी देता है और उन्हें खोलता है, पर जब दूसरे की बारी आती है तो वो चाबी नीचे गिर जाती है और इतने में शिप हिलना शुरू हो जाता है। ऊपर डेक पर सारे रेडियो ऑपरेटर किसी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं और बड़ी ही देर बाद उनका रेडियो फिलीपीन बेस से कनेक्ट होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये जरूर किसी दुश्मन की चाल है और इसीलिए वो मदद के लिए मना कर देते हैं। अब कैप्टन फिलिप्स के पास एक ही चारा बचता है, वो था इस शिप को छोड़ देना। तो वो ऑर्डर देते हैं कि सभी लोग लाइफ बोट को नीचे फेंकना शुरू कर दो। शिप का पूरा ऑयल पानी में फैलना शुरू हो जाता है, उधर लोग पानी में कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी एक धमाका होता है जिससे कैप्टन फिलिप झटके से पानी में गिर जाते हैं और अपने साथियों से दूर हो जाते हैं। कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि शिप बीच से अलग हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पानी की गहराइयों में समा जाता है। पानी में हर जगह आग लगी हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन उनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। बड़ी ही देर बाद सूरज निकलता और हम साफ साफ उस मंजर को देख कुछ देर बाद सूरज निकलता और हम साफ साफ उस मंजर को देख पाते हैं। चारों तरफ लोग जख्मी हालत में पड़े थे, जिसको जो मिला वो उसी के सारे जिंदा बचा हुआ था। 1200 में से तकरीबन 900 लोग ही जिंदा बच पाए थे और अभी तो इनका सफर बहुत ही लंबा है। अब ये समुन्द्र के बीच में है, यानी कि शार्क के घर में। क्या पता कब ये 900 की गिनती आधी हो जाए। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो आपस में दो टीम में बना लेते हैं। एक टीम को कर्नल संभाल रहे थे, दूसरी टीम को कमांडर, जिसमें ब्रायन और माइक भी थे। अब लेफ्टिनेंट ऑर्डर देते हैं कि लाइफ बोट पर सिर्फ जख्मी और ऑफिसर ही बैठेंगे, जो बाकी लोग हैं वो नीचे रहेंगे। इसी दौरान हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी थे, उनका खून पानी में बह रहा था और इसी चक्कर में वहां पर कुछ शार्क आ जाती हैं, जो बहुत से लोगों को खींच कर अपने साथ ले जाती हैं, जिससे कि वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। ऐसे में कुछ और शार्क इनकी तरफ बढ़ना शुरू करती हैं, क्योंकि आज इनकी दावत होने वाली है। उधर कैप्टन, जो धमाके के बाद अलग हो गए थे, वो तैरते हुए एक राफ्ट के पास आते हैं जिसमें दो सोल्जर थे और दोनों ही जख्मी हालत में थे। एक का तो पैर उसके हाथ में था। अब ये देखकर वो फौरन उसे पेन किलर देते हैं और फिर आगे क्या करना है सोचने लगते हैं, लेकिन तभी हम कुछ और शार्क को देखते हैं जो बिल्कुल उनके नीचे घूम रही थी। कैप्टन यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें और सोल्जर की मदद करनी थी। तभी यहाँ सारे सोल्जर को एक उम्मीद दिखती है। हम एक एयरफोर्स का जहाज देखते हैं जो ऊपर से होकर गुजरता है। ये उसे देख भी लेते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं, यहाँ तक कि कैप्टन तो फ्लेयर भी छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। जब तक फ्लेयर ऊपर जाती है तब तक वो जहाज दूर जा चुका था। उधर हम कैप्टन हाशा मीको को देखते हैं, जो कि अपने बेस पर मैसेज दे रहे थे कि उन्होंने दुश्मन के शिप को गिरा दिया है और अब उनके लिए आगे का रास्ता साफ है, पर उन्हें ये पता नहीं है कि कुछ ही समय बाद उनके देश में कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें वो कई सालों तक भूल नहीं पाएंगे। इधर एक सैनिक जो कि घायल हो चुका है और उसे अब उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं, तो उसका साथी कहता है कि क्यों ना तुम जाकर कर्नल के साथ बैठ जाओ, लेकिन वो मना कर देता है और मजाक में कहता है कि उनके साथ अगर मैं बैठा तो और जल्दी मर जाऊंगा, जिसे सभी लोग हंसने लगते हैं। पर तभी एक शार्क आकर उसे पानी के अंदर ले जाती है और एक ही झटके में सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद कई शार्क आकर सैनिकों को मार देती है। तब सभी राफ की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, वो जितनी भी देर पानी में रहेंगे उतना ज्यादा खतरा है। वहीं कैप्टन अपने लोगों को ढूंढ रहे थे, उन्हें एक साथ लाते हैं और उन्हें कुछ खाने को देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस सैनिक का पैर कट चुका है उसकी मौत हो गई है, जिसे कैप्टन पानी में डुबा देते हैं, लेकिन ये उनके लिए एक बहुत ही दर्दनाक समय चल रहा है। ये सारे लोग की जिम्मेदारी उनके सर पर है, उनके कंधों पर है। कहीं ना कहीं उन्हें गिल्ट फील होने लगता है, क्योंकि आज वो अपने हाथों से उनकी लाश को पानी में बहा रहे हैं। उधर जापानीज कैप्टन को मैसेज आता है कि अब वो अपने बेस पर लौट आए, क्योंकि वहाँ रहने का अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए वापस लौट जाते हैं। कुछ इस तरह से इन लोगों के लिए थोड़ी चैन की सांस मिलती है। सूरज निकल आया था, लेकिन अभी तक सब कुछ वैसा ही था। कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आया था। इनके पास जो कुछ भी खाने का था वो अब खत्म हो चुका है। अब टोटल 500 लोग बचे हुए हैं। उधर ग्रुप बी के हेड कमांडर कुछ सैनिकों को लेकर आगे बढ़ते हैं। उनका दावा था कि उन्होंने कुछ ही दूरी पर एक टापू देखा है जहाँ से वो मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं, तो वो निकल पड़ते हैं। अब रात होने पर ब्रायन को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि सामने से क्लारा उन्हें बचाने के लिए आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। माइक बहुत ही मुश्किल से उसे संभालता है, देन वो कहता है कि मैं क्लारा को बहुत पसंद करता हूँ और बचपन से ही उसे चाहता हूँ। ये सुनकर माइक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। तभी अचानक से एक शार्क आती है और माइक को अंदर पकड़ कर ले जाती, लेकिन अहम मौके पर ब्रायन उसे पकड़ लेता और ऊपर खींच लेता है, लेकिन इसमें उसका पैर जख्मी हो चुका था और अब वो उसे बचा नहीं पाता। पर जाते हुए वो उसे वादा लेता है कि वो क्लारा को हमेशा खुश रखेगा।
अब ब्रायन ने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि उसका दोस्त ऐसे छोड़कर उसे चला जाएगा, इसलिए वो वहीं रोने लगता है। लेकिन जो जा चुका है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। अब सुबह हो जाती है, जो लोग आइलैंड को ढूंढने के लिए गए थे वो लौट आए, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जिसमें से कमांडर भी थे, और जो बचे हुए हैं उनमें भी इतनी ताकत नहीं बची कि वो खुद को संभाल सके। और तभी एक शार्क उनके राफ्ट को पलट देती है और जितने भी लोग बचे थे उन्हें भी मार देती है। अब यहाँ दोस्तों केवल 300 लोग बचे हैं और सभी को शार्क अपना शिकार बना रही है। किसी को भी अब उम्मीद नहीं है कि वो खुद को बचा पाएंगे, क्योंकि अगर वो शार्क से बच भी गए तो भूख और प्यास से मारे जाएंगे। इसलिए सब लोग गॉड का नाम लेते रहते हैं, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। और तभी एक चमत्कार होता है। कुछ ही देर बाद एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है और उन्हें नीचे लोग नहीं बल्कि ऑयल दिखता है, जिससे कि उन्हें लगता है कि शायद कोई जापानी सबमरीन नीचे है, इसलिए वो मिसाइल लोड करते हैं। पर उसी समय को पायलट को कुछ ही दूरी पर कई लोग दिखते हैं जिनके यूनिफॉर्म पर अमेरिकन फ्लैग था, जिससे कि वो समझ जाता है कि वो उन्हीं के लोग हैं और फौरन अपने बेस पर मैसेज देता है कि वो नीचे कुछ खाने पीने का सामान ले जाए। थोड़ी देर में एक बड़ा प्लेन उस लोकेशन पर जाता है जिसके अंदर कैप्टन एड्रियन थे, लेकिन तभी उन्हें ऑर्डर आता है कि पानी में लैंड नहीं करना है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते और वो वहीं उतर जाता है। सभी सैनिकों को अपने प्लेन के विंग पर बैठा लेते हैं, पर वो उन्हें लेकर उड़ नहीं सकते। ये लोग इंडियाना पॉलिश शिप के हैं और उनका प्लेन दुश्मनों का शिकार हो गया। यहाँ पर तकरीबन 300 लोग हैं, इसलिए हमें एक बड़े से जहाज की जरूरत है, पर उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता ये लोग उसी शिप के हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें यकीन दिला देते हैं। जिसके कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ शिप आते हैं जो उन सभी को बैठा लेते हैं, और कुछ इस तरह से वो पूरे 26 दिनों के बाद बचा लिए जाते हैं। अब यहाँ दोस्तों 1200 में से सिर्फ 300 लोग ही जिंदा बच पाए थे। कुछ दिनों के बाद हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिरा दिया जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, जिसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। लेकिन अभी भी अमेरिकन इंडियाना पॉलिश शिप को डूबने का सीक्रेट रखते हैं। उधर सभी घायल सैनिकों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर कैप्टन फिलिप्स आते हैं और अपने बचे हुए साथी को देखते हैं। कुछ महीनों के बाद न्यूज आती है कि जंग खत्म हो चुकी है, सभी सोल्जर को उनके घर भेज दिया जाता है, लेकिन यहां पे अभी भी कैप्टन फिलिप्स को बुरे सपने आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अभी भी पानी में डूब रहे हैं और कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। उधर दूसरी ओर हम क्लारा के पास ब्रायन को देखते हैं। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वो कहती है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन ब्रायन फिर भी उसे शादी करने को राजी हो जाता है, जैसे उसने अपने दोस्त से वादा किया था। दूसरी ओर कैप्टन के घर एडमिरल आते हैं, जो उसे बताते हैं कि नेवी ने फैसला किया है कि तुम्हारा कोर्ट मार्शल करा जाए। अब ये सुन के वो हैरान था कि ऐसा क्यों है, लेकिन अगले दिन उन्हें कोर्ट बुलाया जाता है, जहां पर सभी के सामने उसके गुनाह बताए जाते हैं, जिसमें उन्होंने शिप को जिगजैग ना चला के बल्कि सीधे चलाया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। तो वो कहता है कि मैंने जो भी कुछ किया वो अपने लोगों की रक्षा के लिए किया, मुझे आपसे ज्यादा दुख है क्योंकि मैंने अपने शिप और अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा है। ये सुनकर सभी लोग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां पे हाशा मिको भी आता है, जो जापानीज नेवी का कैप्टन था। वो सभी के सामने कबूलता है कि अगर अमेरिकन शिप जिगजैग भी चलता तो बच नहीं पाता, क्योंकि हम उसके बहुत ही करीब थे और हमने 6 टॉर्पीडो फायर किए। अब ये सब सुनने के बाद फैसला लिया जाता है कि फिलिप नॉट गिल्टी है, लेकिन फिलिप्स को नेवी से बाहर निकाल दिया जाता है। हम कुछ लोगों को बाहर देखते हैं जो फिलिप्स के खिलाफ विरोध भी कर रहे थे। अब सेशन के बाद हाशा मिको और फिलिप्स आपस में मिलते हैं। दोनों की आंखें नम थी, उन्होंने ये अच्छे से बताया था कि जो उन्होंने किया वो गलत था। अगर फिलिप्स उस परमाणु बम को अपनी जगह पर नहीं पहुंचाते तो आज शायद जापान के लाखों लोग जिंदा होते। अगर हाशा मिको ऑर्डर नहीं देते तो आज कई सारे अमेरिकन सैनिक भी जिंदा होते। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों को पता था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन इंसानियत के लिए दोनों को पछतावा होता है। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन कैप्टन के मन में उस दिन के बाद से एक गिल्ट बैठ गया। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अगर वो उस दिन उस पार्सल को डिलीवर करने के लिए नहीं जाते तो आज परमाणु बम नहीं फटता। वो खुद को उनकी मौत का कारण मान रहे थे और इसलिए वो अपने घर में खुदकुशी कर लेते, जिसके साथ ये कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों ये कहानी से यही सीख मिलती है कि वॉर यानी कि जंग हमेशा तबाही लाती है, चाहे किसी की भी जीत क्यों ना हो। वेल, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।